स्टेप नंबर टू, सवाल नंबर फोर कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सवाल नंबर वन, सवाल नंबर टू और सवाल नंबर थ्री सोल्व किया था, ठीक है। सवाल नंबर फोर करेंगे सोल्व। देखिए, हमने आपको बताया था कि पहले हमें जाना है कांस्टेंट टर्म के पास, ठीक है बेटा। ये है हमारा एक कांस्टेंट टर्म। अब हमें ये देखना है कि 10 जो है किस किस टेबल में आता है। 10 जो है 10 बन जा 10 में आ जाएगा, एक साथ 5 टू जा 10 में आ जाएगा भाई, इसके अलावा तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सुटेबल है जो हमें 7 ला के देगा। 10 प्लस 1 तो 7 ला के नहीं देगा ना, 5 प्लस 2 7 ला के देगा। तो इस 7 के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस, इस 7 के स्थान पे आ जाएगा बेटा 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या था बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस, इसके अंदर क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर यहां पे ये अलग, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। इन दोनों में से x कॉमन होने के बाद क्या बचेगा, x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन होगा बेटा, 2, अंदर बचेगा x प्लस 5। इतना तो आपको आता ही होगा क्योंकि 8th 9th में आपने सवाल जरूर सॉल्व किए होंगे। अब आपके पास देखिए जो ब्रैकेट की वैल्यू है, जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो सेम है, उन दोनों को बाहर निकाल लेंगे और जो बाहर वैल्यूज हैं x प्लस 2 उसको इस तरीके से लिख लेंगे, समझ रहा है। अब इनके जीरो निकालने का तरीका क्या होता है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू मानेंगे 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, तो ये तो आ गया बेटा इसका 8 जीरोस। और अगर हम निकालते हैं x प्लस 2 का बेटा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मानते हैं, 0, x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 2। क्या समझ में आया या नहीं आया, नोट करते रहिए, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिएगा इसका, ये भी बिल्कुल इसी टाइप पे कर देता हूं। सपोज करो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम यहां पे 8x भी कर सकते हैं, फिर हमें बदलना पड़ेगा तो उसको 15 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 15 देखना है किस किस टेबल में आता है। देखो 15 एक तो मेरे हिसाब से 5 के टेबल में आ जाएगा, 15 बन जा 15 भी आ जाएगा, 5 3 जा 15 होता है, और शायद किसी भी टेबल में 15 नहीं आता, 3 में आता तो मैंने आपको बता दिया था 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 एक ही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 के स्थान पे देखिए भाई 15 और 1 तो कभी भी 8 नहीं होंगे ना, तो 5 और 3 8 होंगे, तो 5 प्लस 3 का आंसर 8 आना चाहिए, रूल ही होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो ये आना चाहिए, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 5x प्लस कितना हो गया 3x प्लस क्या हो गया बेटा 15 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग, पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा अंदर x प्लस 5। इन दोनों में से जो पहले है मोस्टली वही कॉमन होता है, जैसे 3 दोनों में देखो कॉमन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लीजिएगा x प्लस 5। ये केवल इसी स्टेप के लिए, जरूरी नहीं कि 3 और 3 बाहर आएगा, वो एक तरीका है बस समझने का। आप x प्लस 5 को क्या करेंगे बेटा, यहां से अलग कर लेंगे, और x प्लस 3 को क्या कर लेंगे बेटा, अलग कर लेंगे। तो आपके पास क्या उत्तर आ जाएगा, एक तो है आपके पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, और एक वैल्यू है बेटा आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, ठीक है। इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 6 आप स्वयं करके देखेंगे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सवाल नंबर 7 भी खुद करके देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सवाल नंबर 8 भी आप खुद करके देख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनको आप नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा।